तरह कुमारी जम्बावती भुआरे को, ये भानु प्रतापपुर की ये है बिटिया है। इसके पिताजी का नाम है लोभान है। श्री लोभान की पत्नी मजदूरी कार्य हेतु नदी के उस पार चली गई थी, नदी क्रॉस करके दूसरे तरफ करने गई थी। उनकी दोनों पुत्रियां जो एक 8 वर्ष की दूसरे 2 वर्ष की अपनी माता को ढूंढते हुए नदी किनारे तक पहुंच गई और नदी पार करते हुए बांध के ऊपर से जाने लगी। बांध के ऊपर से जाते समय दोनों बच्चे के पैर फिसल जाने के कारण वे नदी में गिर गए। जहां बच्चे गिरे थे वहां नदी में झाड़ियां थी। जो बड़ी पुत्री है जम्बावती है ना, अपनी छोटी बहन के हाथ को पकड़े रखा और एक हाथ से झाड़ियों को पकड़े रही। दोनों ही बच्चों के मुंह और नाक में पानी पेट के अंदर जा रहा था क्योंकि वो चिल्ला रहे थे। दोनों बच्चे जोर जोर से रो रो कर चिल्लाने लगे। दोनों बच्चों के रोने और चीखने की आवाज़ सुनकर दूसरे ओर से उसकी माता और अन्य लोग उस ओर दौड़ कर आए और देखा कि दोनों बच्चे नदी के पानी में गिरे हुए। बालिका जम्बावती एक हाथ से झाड़ियों को पकड़ी हुई थी और एक हाथ से अपनी छोटी बहन को कसकर पकड़ी हुई संभाली हुई थी। दोनों लोगों की मदद से दोनों बालिकाओं को नदी से बाहर निकाला गया और चिकित्सा हेतु प्राथमिक चिकित्सालय ले जाया गया। 8 वर्षीय बालिका जम्बावती ने नदी में गिरने के बावजूद साहस के साथ एक हाथ से झाड़ियों का सहारा लिया और एक हाथ से अपनी छोटी बहन को पकड़कर नदी में डूबने से अपने को और अपनी बहन को बचाया। ऐसे वीरता पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई। ये सितंबर की, सितंबर 2005 की, बहुत छोटी होगी। हाँ, ये 2 साल की, इसी को ही पकड़ करके छोटी बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम। आपके वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन बच्चों के जीवन में एक नया आत्मविश्वास भर देंगे और इन्हें और इन जैसे दूसरे अन्य बच्चों को प्रेरित करेंगे वीरतापूर्ण कार्य करने के लिए। अब मैं छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के संरक्षक और हमारे प्रेरणा स्रोत वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद महामहिम राज्यपाल जी, श्री केम्बो जी और छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के विभिन्न पदाधिकारी, महामहिम के विधिक सलाहकार। आज इस कार्यक्रम में आप सब लोगों ने आकर के जिस प्रकार से इन वीर बालकों का उत्साह बढ़ाया है और विशेषकर छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने जिस प्रकार से इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है वह बहुत उत्साहप्रद है। समाज में प्रोफेशनल्स की छवि ऐसी है कि वो सामान्यतः अपने ही कामकाज में व्यस्त रहते हैं और अत्यंत स्वकेंद्रित जीवन ऐसा सामान्यतः रहता है, लोगों को ऐसा लगता है, परंतु वस्तुतः ऐसा है नहीं। ये बात सिविल सोसाइटी ने आज बताई। समाज के विभिन्न विषयों को लेकर हमारे भी मन में चिंतन मंथन चलता है, क्या सही हो रहा है, क्या होना चाहिए, इसके बारे में चिंतन चलता है। इसी की परिणति इस वीर बाल दिवस के रूप में जो घोषणा हुई उसमें कुछ ना कुछ छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी का भी आग्रह है और जिस प्रकार से कार्यक्रम हुआ उससे ऐसा लगता है कि समाज का प्रभुत्व वर्ग समाज के लिए देखने सोचने वाला और एक महत्वपूर्ण घटक है, अपनी भूमिका को स्पष्ट और अच्छे से निभाने के कारण मैं सिविल सोसाइटी को धन्यवाद देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब महामहिम राज्यपाल जी के उद्बोधन सुनने के लिए बैठे हुए हैं और मैं और अधिक समय लेना नहीं चाहूँगा। धन्यवाद। डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना
हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर पुणेंद्र सक्सेना जी के विलक्षण उद्गार के पश्चात मैं महामहिम राज्यपाल जी को आशीर्वचन के लिए निवेदन करता हूँ। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी द्वारा आज का ये छोटा सा कार्यक्रम आप राजभवन में आपने आयोजित किया है और आज इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित हैं हमारे विधिक सलाहकार राजभवन के सम्मानित श्री राजेश श्रीवास्तव जी, पूर्व अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग सम्मानित श्री सुरेश सिंह डेम्बो जी, संरक्षक छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी एवं सुप्रसिद्ध अस्थि रोग विशेषज्ञ सम्मानित डॉक्टर पुनेन्द्र सक्सेना जी, संयोजक छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जी और यहां पर उपस्थित हमारे वीर बालक दुर्गेश कुमार सोनकर, सीताराम यादव, कुमारी जम्बावती बुआर, कुमारी उन्नति शर्मा। और उनके माता सिविल सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों को सदस्यों को मैं बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने मेरे सामने जो जानकारी दी, मैं महसूस कर रही थी कि बहुत सारे लोग जो हैं समाज में, बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, वो अपना अपना सामाजिक रूप से विभिन्न प्रकार से लोगों के लिए समाज सेवा का काम करती है, लेकिन बहुत कम ऐसे देखने को मिला है मुझे कि इस तरह से जो ऐसे वीर बहादुर जो बालक जिन्होंने अपनी दम्य शक्तियों से अपनी सूझबूझ के साथ इतनी कम उम्र में और जो कर दिखाते हैं, तो उनका इस तरह का सामने लाना समाज के सामने, देश के सामने बहुत कम संस्था आगे आती है। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने ही जिनके लिए जो वीर बाल दिवस का आप माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की और आप लगातार 2020 से इस फील्ड में पहले भी काम कर रहे थे और आपके ही प्रयास से माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी को आपने इस संबंध में अपना अभ्यवेदन भी दिया और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज 26 दिसंबर को पूरे देश में वीर बाल दिवस मनाने का आह्वान किया, ये वास्तव में उन लाखों करोड़ों और देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक मैसेज रहेगा कि कैसे कैसे बच्चे हैं जो क्या कर गुजारते हैं, कैसे सामने आकर और ऐसी परिस्थितियों का मुकाबला करते हैं, क्योंकि जनरली देखा गया कि 26 जनवरी को ही ऐसे बच्चों का राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान किया जाता है, लेकिन उन बच्चों का केवल 26 जनवरी का सम्मान तो होता ही नहीं है, बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन आम व्यक्ति तक इनकी वीरता का परिचय और जो साहस सहजता उनका साहस है और जो लोगों के लिए प्रेरणा के रूप में उन तक पहुंच पाए, ये बहुत कम हो पाता है। लेकिन आपकी जो सोसाइटी ने इस तरह का जो बीड़ा उठाया है, मैं वास्तव में आप सबको बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। साथ ही आज वीर बाल दिवस के अवसर पर मैं सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद जी और धर्म की रक्षा हेतु अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उनके साहिबजादों को भी सत सत नमन करती हूँ। 10वें गुरु गोविंद जी की ये युवा पुत्रों साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी
द्वारा 26 दिसंबर 1705 को सिख धर्म की गरिमा और गौरव की रक्षा के लिए केवल 9 और 6 वर्ष की आयु में सर्वोच्च और अद्वितीय बलिदान दिया था। इसके बारे में आपने अभी उनके संबंध में ये पूरा उल्लेख किया है। 17वीं शताब्दी में पंजाब के सर हिंद सूबे में नवाब बसीर खान ने माता गुजरी और छोटे साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी को फतेहगढ़ साहिब की ठंडी मीनार में कैद कर दिया था और बाद में छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को दीवार में जिंदा दफन कर दिया था। कृतज्ञ राष्ट्र और देशवासियों द्वारा साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह द्वारा न्याय की खोज में पराक्रम प्रदर्शित करने और सर्वोच्च बलिदान देने के प्रति वीर बाल दिवस मनाना उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। वीर बाल दिवस के अवसर पर अदम्य साहस का परिचय देने वाले पुरस्कृत बच्चों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामना उन्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आपने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सहायता की। आपके इस साहसिक कार्य से अन्य बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। मैं वीर बच्चों के सम्मान के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी को उन्हें धन्यवाद देती हूँ। आप सभी जानते हैं, आपने भी बताया कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी के बेटों का शहादत के प्रति सम्मान स्वरूप 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। इस घोषणा से सिख समुदाय सहित देश की आने वाली पीढ़ी को सिखों के गौरवमय इतिहास को जानने का अवसर मिलेगा। ये इसलिए भी बहुत मतलब जरूरी था कि किस तरह से साहिब जाते बाबा जोर सिंह और बाबा फतेह सिंह को फतेहगढ़ मीनार में मतलब उनके जो छोटे बच्चों को, ये तो केवल आप देखते हैं कि ये हमारे सिखों के गौरवमय इतिहास को, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। और इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने समझा और इसीलिए इसको वीर बाल दिवस का दिया, ताकि उनके इतिहास को लोगों तक पहुंचे कि ये वीर बाल दिवस है क्या, और ये अपने आप में ही ऐसे बच्चों को, मुझे तो मैंने पेपर में पढ़ा था इस बच्चे के बारे में और मेरी इच्छा थी कि मिलूं, तो मतलब कितना उस समय ऐसी परिस्थिति में, और ये समझ लेना मतलब है कि मान सकते हैं कि बच्चों में भी जो है ना, आपने कहा कि एक स्वस्थ रहने के लिए तो सोसाइटी में एक स्वस्थ रहेंगे तो उनका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, और किस तरह से आज के जो बच्चे और जो नशा से जो भ्रमित हो रहे हैं, उन तमाम चीजों को लेकर आप काम कर रहे हैं कि ऐसे भी बच्चे जो ऐसे समय में अपने दिमाग का कैसे उपयोग कर सकते हैं। ये बिटिया है बेटे बता